लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के सानपाड़ा प्रभाग 76 और प्रभाग 79 में आज से 21 सीसीटीवी कैमरों की शुरुआत हो गई। एमएलए मंदाताई मात्रे की विधायक निधि से सानपाड़ा के प्रमुख ठिकानों पर इन कैमरों को स्थापित किया गया है। पांडुरंग आमले एवं जगन्नाथ जगताप की मांग पर मंदाताई मात्रे ने इनके लिए विधायक निधि प्रदान की है। इन उपक्रमों का शुभारंभ करते हुए विधायक मंदाताई मात्रे ने विश्वास जताया कि इससे महिलाओं की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों की निगरानी में बड़ी मदद मिलेगी। इस अवसर पर उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय, जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ जगताप और युवा नेता पांडुरंग आमले एवं सानपाड़ा थाने के PI जयराम राठौर समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई का सानपाड़ा प्रभाग 76 और 79 आज से सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। दोनों प्रभागों में मंदाताई मात्रे के विधायक निधि से प्रमुख ठिकानों पर कुल 21 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। प्रभाग 76 के युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले और प्रभाग 79 के वरिष्ठ समाजसेवी जगन्नाथ जगताप ने इसकी मांग किया था। आज विधायक मंदाताई मात्रे ने इन उपक्रमों का उद्घाटन किया। यहाँ पुलिस अधिकारी जयराम राठौड़, उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय और गीता मढ़वी समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। नवी मुंबई में अब तक सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 2 करोड़ की निधि दे चुकी बीजेपी नेता मंदाताई मात्रे ने विश्वास जताया कि इससे दोनों प्रभागों में महिलाओं के सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों की निगरानी में मदद मिलेगी। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कि महिलांची सुरक्षितता आपण पाहतोच की स्कूटर वरती मुलं येतात आणि महिलांची चेन मॅपिंग करतात, महिला पडल्या जातात, डिव्हायडरवर पडतात, रोडवर पडतात, त्यांना फरफडत नेलं जातं, चोरी होतात असोसिएशनमध्ये, सोसायटीमध्ये, कोण आलं गेलं हे माहिती पडत नाही, दुपारच्या वेळेमध्ये चोऱ्या होतात। अशा वेळी पोलिसांना एक मदत व्हावी आणि तिथल्या लोकांनाही मदत व्हावी त्यासाठी आपण जवळजवळ आमदार निधीतून 2 कोटीचे CCTV कॅमेरे आज आपण नव्या मुंबईमध्ये बेलापूर मतदारसंघात लावलेले आहे। जवळजवळ 50 लाखाचे CCTV मागेच आपण वाशी विभागात केले, 50 लाखाचे आपण तुर्भा विभागामध्ये करतोय आणि आता हे 25 लाखाचे आपण 21 CCTV कॅमेरे येथे दिलेत। अजून मागणी वाढली तर अजून अनेक आताही आपण मेन स्पॉटला दिले आहेत, जसं सर्कल आहे, सोसायटीचा बाहेरचा भाग आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, बस डेपो आहेत, पोलीस स्टेशन समोर आहेत। वही स्थानीय BJP नेता जगन्नाथ जगताप और युवा समाजसेवी पांडुरंग आमले ने कहा कि मंदाताई मात्रे सदैव जनसेवी उपक्रमों को सपोर्ट करती रही हैं। उन्होंने दोनों प्रभागों में CCTV कैमरा लगवाने पर अपने विधायक के प्रति आभार भी जताया। CCTV से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि मैंने अभी कहा आपको कि पुलिस स्टेशन बहुत ही दूरी पे है और उसी कारण जो स्टेंट स्नैचिंग वाले जो है या जो गुंडागर्दी करने वाले लोग है वो भाग जाते हैं और किस कारण वो मिल भी नहीं पाते। जब CCTV लगेंगे तो ऑब्वियसली उनको डिटेक्ट करना पुलिस स्टेशन को भी और हमारे स्थानिक नागरिक को भी बहुत आसान होगा। हमने मंदाताई मात्रे जो हमारे आमदार हैं उनको हमने निवेदन दिया था और उस निवेदन के माध्यम से मंदाताई ने कुल 25 लाख का निधि हमारे सानपाड़ा में सैंक्शन करके आज यहाँ पे 21 कैमरे लगाए और अगले कुछ दिनों में 10 से 15 कैमरे और लगे। इसका पूरा कंट्रोल हमने पुलिस स्टेशन में ही दिया है और जिसका स्क्रीन जो मेन स्क्रीन है वो पुलिस स्टेशन में रहने वाला है। नवी मुंबई के आमदार कार्यशर्मा आमदार मंदाताई मात्रे के पास हम एक लेटर लेके गया था कि सानपाड़ा में हमारा सब CCTV कैमरे बैठाओ, तो ताई ने ताबड़तोब 1 महीने के अंदर हमको CCTV कैमरे के बैठने का हमको बोला और कॉन्ट्रैक्ट देखने के बाद 2 महीने के अंदर ये काम हो गया ऐसा। और इधर है ना जो महिला रहता है, महिला का चेन स्कैकिंग करता है, वो महीने का चेन स्कैकिंग करके वो भाग जाता है, कोई कोई महिला को फरफड़त लेके जाता है, इसलिए इधर
सीसीटीवी कैमरे मांगता है और जो चोरी बेरी होता है सानपाड़ा एरिया में, तो इसके लिए भी सीसीटीवी कैमरे मांगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।